नीटिंग सीखो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द। हेलो फ्रेंड्स, नीटिंग सीखो से मैं सरिता शर्मा। आज मैं आपके लिए डबल कलर का ये पैटर्न लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। ये इसका राइट साइड है और ये इसका रॉन्ग साइड है। ये आप बच्चों के स्वेटर में डाल सकते हैं, कार्डिगन में डाल सकते हैं और जेंट स्वेटर में इस डिज़ाइन को आप डाल सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने फंदे लेने हैं 9 × 1 + 2 फंदे। 2 फंदे हमारे एज फंदे रहेंगे। जैसे हम बॉर्डर बनाते हैं सेम ऐसे ही बॉर्डर बनाएंगे। बॉर्डर बनाने के बाद जो है आप इस डिज़ाइन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब जैसा मैंने यहाँ से स्टार्ट किया सेम ऐसा ही मैं आपको ऊपर कर बताऊँ। देखिए, अब हम इसे बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा पहला फंदा है, पहला फंदा एज फंदा है हमारा। इसको हम बना लेंगे। धागे को हम अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। उल्टे फंदे से जो है हमारा डिज़ाइन स्टार्ट होगा। यह एक फंदा हमने उल्टा बनाया, धागे को हम पीछे करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 2 फंदे हमने सीधे बनाए, धागा हमारा पीछे की साइड ही रहेगा और 2 फंदों लेंगे और 2 फंदों का हम एक बना देंगे और इनको हम निकाल देंगे। धागे को हम अपनी साइड करेंगे। अब ये लाल वाला फंदा और एक फंदा, ये 2 फंदे हम एक साथ लेंगे, 2 फंदों का हम एक कर देंगे। धागे को हम अपने साइड करेंगे। ये देखिए, धागे को हमने अपनी साइड किया। फिर हमने 2 फंदों का एक बनाना है। ये हमने 2 फंदों का एक बना लिया। अब 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 और 2। 2 फंदे हमने सीधे बनाए, धागे को हम अपनी साइड करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। धागे को हम पीछे करेंगे, 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे। अब ये 2 फंदे हैं, 2 फंदों को 2 का हम एक करेंगे। फिर धागे को हम आगे करेंगे। जो हम पीछे से फंदे घटाएंगे उसमें हमने धागे को अपनी साइड करना, आगे की साइड करना है। पीछे से 2 फंदे लेंगे और 2 फंदों का हम एक बना देंगे। 2 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और एक फंदा बनाएंगे। धागे को हम पीछे करेंगे। ये देखिए, यहाँ तक उल्टे फंदे तक जो है ये हमारे 9 फंदों पर ये डिज़ाइन बनता है। सेम ऐसे ही रिपीट आगे होता जाएगा। ये देखिए, 2 फंदे हमने सीधे बनाने हैं, धागा हमारा पीछे की साइड ही रहेगा। अब 2 फंदों को हम 2 का एक बना देंगे। धागे को हम अपनी साइड करेंगे और पीछे से 2 फंदे लेंगे और पीछे से घटा देंगे, 2 का हम एक बना देंगे। फिर 2 फंदे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा और ये हमारा एज फंदा। इसे बनाएं या आप उतारें, फर्स्ट रो हमारी इसी तरीके से बनाएंगे। सेकंड रो रॉन्ग साइड, ये हमारा एज फंदा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे। धागे को हम पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। धागे को अपनी साइड करेंगे। अब ये देखिए, 1, 2 और ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाए। अब ये जो हमारा जाली वाला फंदा है, इस फंदे को हमने कैसे बनाना है, ये देखिए। एक फंदा, इस फंदे को हम उल्टा बनाया हमने, इसको अभी हमने निकाला नहीं है। अब इस फंदे को थोड़ा सा जो है इस तरीके से आगे से कर देंगे और पीछे की साइड से ऐसे लेते हुए इसको हम बनाएंगे। एक फंदे में से हमने 2 फंदे बनाए, अब हम इसको निकाल देंगे। फिर बनाएंगे, 1, 2 और 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, धागे को हम पीछे करेंगे। ये जो सीधा फंदा पीछे आ रहा है, ये फंदा वो वाला है जो हमने आगे के साइड में उल्टा बनाया हुआ है। ये उल्टा फंदा आ रहा है, ये वाला फंदा ये हमारा यहाँ पर आकर सीधा बनेगा। ये हमने सीधा बनाया, धागे को हम अपनी साइड करेंगे। फिर 3 फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे। ये 3 फंदे हमारे उल्टे हो गए। इस फंदे पर आपने ध्यान देना है, ये देखिए उल्टा बनाया हमने। इस फंदे को हल्का सा ऐसे करेंगे और पीछे से जो है पीछे से डालते हुए इस फंदे को हम उल्टा बना लेंगे और इसको निकाल देंगे। अब 3 फंदे हम फिर उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, एक सीधा फंदा बनाएंगे। ऐसे ही रिपीट होगी हमारी सेकेंड रो। 3 फंदे उल्टे, फिर उल्टा, फिर इस फंदे को ऐसे करेंगे और पीछे से लेते हुए इस फंदे को हमने उल्टा बनाना है। उल्टा बनाया, अब इसे निकाल देंगे और 3 फंदे फिर हम उल्टे बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे और ये फंदा सीधा और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे। सेकंड रो उल्टी साइड से हमने कंप्लीट कर लिया। अब बनाएंगे थर्ड रो। थर्ड रो बनाने के लिए ये हमारा एज फंदा है,
इसको हम सीधा बना लेंगे, धागे को हम अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ये उल्टा फंदा जो है वो स्टार्टिंग से उल्टा ही रहेगा, धागे को हम पीछे करेंगे। अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, इसमें एक फंदा हमने सीधा बनाया। अब दो फंदे आगे की तरफ से लेते हुए दो का हम एक बना देंगे, धागे को हम अपनी साइड करेंगे। अब ये जो दो फंदे बनाए थे हमने जाली वाले फंदे में से दो फंदे बनाए थे उल्टी तरफ करके, ये अलग से फंदे दिखाई देंगे आपको। ये देखिए इन फंदों को हम धागे को आगे की साइड करेंगे, धागा हमने अपनी साइड करा है, और ये दो फंदे जो हैं हम सीधे बनाएंगे, एक और ये दो फंदे हमने सीधे बनाए। फिर धागे को हम अपनी साइड करेंगे और पीछे से लेते हुए दो फंदे हम दो का एक बना देंगे और इन फंदों को निकाल देंगे। फिर एक फंदा, ये देखिए यहाँ पर एक फंदा आप दिखाई दे रहा, अब एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागे को हम पीछे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये एक डिज़ाइन बनता है। फिर उसके बाद हमारा दूसरा डिज़ाइन, ऐसे ही तीसरा डिज़ाइन, तो सेम ऐसे ही रिपीट होगा ये डिज़ाइन। ये देखिए एक फंदा सीधा बनाया हमने, दो फंदे हैं, दो फंदों को हम दो का एक बना देंगे, धागे को इसको निकाल देंगे फंदे को, ये फंदा धागा आगे करेंगे और अब इन दोनों फंदों को हम सीधा बनाएंगे, एक और दो, धागे को अपनी साइड करेंगे। अब पीछे की साइड से लेते हुए दो फंदों का हम एक बना देंगे और इनको हम निकाल देंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागे को अपनी साइड और एक फंदा उल्टा, धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, फिर ये दो फंदे हैं, दो फंदों का एक बनाएंगे, धागे को आगे करेंगे। ये देखिए जाली के बीच वाले ये दो फंदे हैं, ये हमारे इन दो फंदों को धागा आगे कर सीधा बनाएंगे, फंदे को धागे को आगे करेंगे। अब ये दो फंदे जो हैं, दो फंदों का हम पीछे से बनाते हुए दो का हम एक बना देंगे और इसको निकाल देंगे। फिर एक सीधा, उल्टा और ये सीधा, ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई है सीधी साइड। अब बनाएंगे फोर्थ रो रॉन्ग साइड से। इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, एज फंदा है इसको हम उल्टा बना लेंगे, धागे को हम पीछे करेंगे। ये हमारा सीधा फंदा है इसको हम सीधा ही बनाएंगे, धागे को अपनी साइड करेंगे। अब वह एक और ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छः, सात और आठ फंदे हमने जो है इसमें उल्टे बनाए, धागे को हम पीछे करेंगे। हमारा ये पैटर्न रेडी हो जाएगा तब आप स्टार्ट करेंगे। तो जैसे सीधे पर सीधा, उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा, इस तरीके से ये बनेगा। फिर अब ये सीधा फंदा है सीधा ही बनेगा, धागे को अपनी साइड करेंगे और ये सभी फंदे उल्टे बनेंगे, यानी सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा ही बनाना है इस रो में हमने। इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए। बनाएंगे फिफ्थ रो राइट साइड, ये हमारा एज फंदा है, इस फंदे को हम सीधा बना लेंगे, धागे को हम अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को हम पीछे की साइड करेंगे। अब ये दो फंदे हैं, दो फंदों का हम एक बना देंगे, धागे को हम अपनी साइड करेंगे। अब ये बीच वाले चार फंदे, ये देखिए जाली और इसके बीच में ये जो दो चार फंदे हैं, इन चार फंदों को धागे को हम आगे की साइड करेंगे और चार फंदे हम ये सीधे बनाएंगे, एक दो तीन और चार फंदे हमने ये सीधे बनाए, धागे को हम अपनी साइड करेंगे। अब पीछे की तरफ से लेते हुए दो फंदों को दो का एक बना देंगे और इसको हम निकाल देंगे, धागा अपनी साइड करेंगे, एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागे को हम पीछे की साइड करेंगे। अब दो फंदे हैं, दो फंदों को हम दो का एक बना देंगे, धागे को हम अपनी साइड करेंगे और ये चार फंदे हैं, चार फंदों को हम बनाएंगे सीधा, एक दो तीन और चार फंदे हमने सीधे बना लिए। सीधे बनाने के बाद धागे को हम आगे करेंगे, पीछे की साइड से लेते हुए दो फंदों का हम एक बना देंगे और इनको हम निकाल देंगे। फिर आगे करेंगे फंद और उल्टा बनाएंगे, धागे को हम पीछे करेंगे, अब दो फंदों को दो का हम एक बना देंगे सीधी तरफ से, फिर धागे को हम आगे करेंगे और चार फंदे हम सीधे बनाएंगे, वन टू थ्री
और फोर फंदे हमने जो है ये सीधे बनाए। धागे को अपनी साइड करेंगे, पीछे की साइड से लेते हुए दो का एक बना देंगे और इन फंदों को निकाल देंगे। धागा अपनी साइड करेंगे, उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और ये सीधा बनाएंगे। ये हमारी फिफ्थ रो राइट साइड से कंप्लीट हो गई है। सिक्स्थ रो रॉन्ग साइड से, ये हमारा एज फंदा है, एज फंदे को हम उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इसको सीधा बनाएंगे। ये इस रो में हमने सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए इस रो को हमने कंप्लीट करना है। ये हमने उल्टा बनाना है, ये देखिए जो उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं हमने उल्टे ही बनाने हैं, जाली वाला हो या कोई भी हो, और इस फंदे को हमने सीधा बनाना है, ये सीधा दिखाई दे रहा है। तो सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बनाते हुए हमने सिक्स्थ रो को कंप्लीट करना है। बनाएंगे सेवन्थ रो राइट साइड। ये डिज़ाइन आप जो है सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, जैसे ये मैंने डबल में बनाया है रेड लगाकर, आप इसको सिंगल कलर में भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही सुंदर लगता है वो डिज़ाइन भी। तो सिंगल कलर की जो है ये वीडियो मैंने बनाई हुई है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से देखकर आप जो है इस डिज़ाइन को देख सकते हैं और बना सकते हैं फ्रेंड। अब ये देखिए हम जो है कलर को चेंज करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग से चेंज नहीं करना है इसको हमने। अब ये देखिए हम इसको क्या करेंगे, ये पहला फंदा है इसको हम सीधा बना लेंगे एज फंदा, धागे को अपनी साइड करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागे को हम पीछे की साइड करेंगे। अब इसके बाद जो है हमने चार फंदे सीधे बनाने हैं, ये देखिए 1, 2, 3 और 4, ये देखिए चार फंदे हमने यहाँ से सीधे बनाए। ये बीच वाली जो जाली है इसके बीच में आधे फंदे इधर चले जाएंगे और आधे फंदे हमारे इधर आ जाएंगे, तो चार फंदे हमने यहाँ पर सीधे बनाए। अब ये देखिए अब जो है रेड वाले धागा लगाएंगे हम इसमें, इसके लिए क्या करना है ये देखिए, ये वाले फंदे जो है इनको हम पकड़ कर रखेंगे। ये हमारी जालियाँ बनी है 5, ये देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 जाली बनी। अब ये फर्स्ट वाली जाली जो है इसके बीच में से जो है हम सिलाई को ऐसे करेंगे और रेड कलर का धागा है ये इसको लेंगे और इसको हम बनाएंगे, ये देखिए, और इसको हम धागे को लूज़ रख लेंगे, ये ऐसे लूज़। ये फर्स्ट जाली में से हो गया, अब सेकेंड जाली में से लेंगे, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे और ये लूज़ रखेंगे। फिर थर्ड में से, ये देखिए ये थर्ड, अब ये फोर्थ और ये 5, 5 जालियां जो हैं ये हमने बनानी है धागे इस तरीके से लेते हुए। अब लाल धागा छोड़ देंगे और इसी धागे से हम चार फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने ये सीधे बनाए। पीछे जो लाल धागा इसको आप जो है एक इस तरीके से आगे बढ़ाते जाइए। अब धागे को हम अपनी साइड करेंगे और एक फंदा हम उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे, 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने सीधे बनाने हैं। फिर ऐसे ही करना है, ये देखिए इन फंदों को यहाँ से पकड़ के रखें, नहीं तो ये निकल जाते हैं फंदे। इसको हम इस तरीके से करेंगे और रेड धागे को हम लेंगे, ये देखिए 1, फिर दूसरे में लेंगे ये 2, फिर तीसरे में, ये देखिए लूज़ रखना है इसको आपने, फिर ये 4th और इसके बाद ये 5th। ये 5 जो है ये हमने बना लिए हैं। अब उसके बाद रेड को हम धागे को इस तरीके से ऐसे रखेंगे और इसको लपेट देंगे ताकि ये जो है बल इसमें पड़ जाए अच्छी तरीके से। ये 1, 2, 3 और 4 फंदे हमने ये सीधे बना लिए, ये देखिए। अब धागे को अपनी साइड करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागे को पीछे करेंगे। जैसे हमने ये बनाया सेम ऐसे ही रिपीट करते हुए हम इसको भी बना लेंगे। देखिए 7th रो कंप्लीट हो गई है, अब बनाएंगे 9th रो। 9th रो बनाने के लिए ये देखिए पहला फंदा हमारा एज फंदा है, इस फंदे को उल्टा बनाएं, सीधा बनाएं या उतार दें, धागे को हम पीछे करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बनाएंगे। ये वो फंदा है जो हमारा पीछे की साइड उल्टा है, धागे को हम अपनी साइड करेंगे। अब ये देखिए आपको ये चार फंदे इस कलर में दिखाई देंगे, एक कलर में, तो चार फंदों में से हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1, 2 और ये 3 फंदे हमने इसमें उल्टे बनाने हैं। इस फंदे को नहीं बनाना है, तो ये वाला फंदा ये लेंगे, 2
तीन चार और ये दो फंदे हैं यहाँ पर और पांच छः, यानी छः फंदे लेने हैं हमने ये, और इन फंदों को, छः फंदों का हम एक बनाएंगे लाल कलर के धागे से, ये देखिए। और अब इन फंदों को हम एक साथ निकाल देंगे, फिर ऐसे करेंगे, उल्टा बनाएंगे, ये वन टू, चार फंदे बनेंगे, थ्री और फोर, फोर फंदे हमने इसमें अब उल्टे बनाने हैं। धागे को हम पीछे करेंगे, एक फंदा हम सीधा बनाएंगे, धागे को हम आगे करेंगे। ये लाल वाला धागा है, इसको हम आगे की तरफ कर देंगे ताकि ये जो है धागा एडजस्ट हो जाए। अब तीन फंदे हम उल्टे बनाएंगे, वन टू और थ्री फंदे हमने इसमें उल्टे बनाने हैं। फिर अब ये देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, ये छः फंदे, यानी ये लाल तक जो है हमने छः फंदे हमारे हो जाते हैं। धागे को हम पीछे हटाएं, दूसरा चेंज करेंगे और रेड कलर का धागा लगाएंगे। इस फंदों को हम बनाएंगे और इन फंदों को बनाते हुए अब ये जो है छः का हम एक बना देंगे। फिर ऐसे ही करेंगे, चार फंदे हम उल्टे बनाएंगे, वन टू थ्री और फोर फंदे हमने उल्टे बनाए। धागे को पीछे करेंगे और एक फंदा हम सीधा बनाएं। धागे को हम अपनी साइड करेंगे, लाल वाले फंदे को थोड़ा हम आगे कर देंगे। इसको बल देते जाइए ताकि ये जो है डिज़ाइन जो है धागा जो है निकले नहीं, इस तरीके से बल देंगे। अब इसमें हम तीन जो है उल्टे बनाएंगे, वन टू और थ्री फंदे हमने इसमें उल्टे बनाने हैं। फिर ये छः फंदे हैं लाल, ये वाले जो लाल फंदे बीच में हैं ये हमारे, और इसको भी मिलाकर ये सारे छः फंदे हैं। छः फंदों का हम एक बना देंगे, ये देखिए, और इनको हम निकाल देंगे। फिर उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन और चार फंदे इसमें उल्टे बनाने, धागा पीछे करेंगे और सीधा, और ये एक फंदा हमारा उल्टा, यानी एट्थ रो जो है ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, देखिए फ्रेंड्स, एट्थ रो तक हमारा डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो चुका है। अब स्टार्टिंग से, जैसे फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया था, सेम ऐसे ही आप जो है एट्थ तक जो है लाइनें अपनी रो कंप्लीट करेंगे, आपका ये डिज़ाइन जो है इस तरीके से बन जाएगा। बहुत ही सुंदर जो है ये डिज़ाइन दिखता है फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।